दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। एक पिक्चर का गाना है, लोग पत्थर से बच के चलते हैं, हमने फूलों से चोट खाई। आपने जो स्वागत किया फूलों की वर्षा की, सच में दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक ही दिल है दतिया वालों, कितनी बार जीतोगे? ये दिल का मैं पहले ही आपको सौंप चुका था। आप हर बार इतना प्रेम और स्नेह देते हो, मन अभिभूत हो जाता है, मैं भावुक हो जाता हूं। मैं थोड़ा कच्चा आदमी हूं, मैं भावुक आदमी हूं, इसलिए आप जो इतना स्नेह और प्रेम लुटाते हो, सच में भावुक हो जाता हूं। मैं इन ज्ञानचंदों की चरण, ये ज्ञानचंद, ये रायचंद, ये जयचंद, मैं इनकी तरह झूठा आदमी नहीं हूं। कोशिश करता हूं जो कहूं वो करूं, और अभी तक जो कहा वो तो किया ही, पर जो नहीं कहा था वो भी किया हमने दतिया के लिए। ये ज्ञानचंद, ये रायचंद, ये जयचंद, ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं ना, क्या भय का वातावरण है? अरे आओ, अगर कोई तुम्हारा शुभचिंतक देख रहा हो तो देखो, इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति कभी नहीं निकलती थी। हम गांव जाएं चाहे शहर जाएं, माता बहनें जब रात में निस्संद होकर घूमने लगे तो भय फिर जनता में नहीं कहलाता, भय फिर इन दलालों में कहलाता है, इन ज्ञानचंदों में और जयचंदों में भय कहलाता है कि भय तुम में है, उनमें नहीं है। तुम्हें भय तब नहीं लगता था जब डाकू घूमते थे इस इलाके में, तुम्हें भय तब नहीं लगा कभी जब गैंगवार होते थे दतिया में, जब वसूली होती थी दुकानदारों से, लोग सामान लेके चले जाते थे, कहना लिख लेना सेठ जी कह के चले जाते थे, तब कभी इनको डर नहीं लगा। अब जब अस्मिता पे खतरा आ रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं, दलाली बंद हो रही है, तो इनको डर लग रहा है। दतिया वालों, इनकी दलाली कभी चालू मत होने देना। ये भूखे टूटे हैं, सबसे पहले दतिया पे टूटे हैं। मेरे को दतिया पे आज ज्यादा बोलना नहीं है, मैं तो सिर्फ आभार आपका व्यक्त करने खड़ा हुआ प्रेम से, और एक कार्यकर्ताओं का भी कर रहा हूं जो परसों नरसों आप कार्यकर्ता सम्मेलन में आए। यार क्या बारिश थी, क्या कीचड़ थी, और क्या आप भीगे हुए थे, क्या तरबतर थे, नीचे कीचड़ में पैर समे थे, पर दिमाग पे जुनून आपके भाजपा का चल रहा था। आपका भी हाथ जोड़ के अभिनंदन। कार्यकर्ता बंधु, सच में वंदनीय और देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं, आप भारतीय जनता पार्टी 15,000 साढ़े 12,000 उस दिन रजिस्ट्रेशन हुए, 15,000 कह रहे रजिस्ट्रेशन, आखिरी में भी लोग आते रहे, मैं भगाया था, रजिस्ट्रेशन चलता रहा, पर तब भी आप आते रहे, गजब है आपका गजब। पर इसलिए इनकी ज्यादा परवाह मत करना, ये जितनी भी बदनामी की कोशिश करेंगे, दतिया की जनता ने अपन को नजदीक से देखा, और कोई गलती भी होगी तो दोनों हाथ जोड़ेंगे और माफी मांगेंगे। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पे लगाते हैं बेवफाई का, और जिन्होंने कलियों को अपने पैरों से मसल डाला वही दावा आजकल कर रहे हैं रहनुमाई का। ऐसी विचित्र तमाशे आपने नहीं देखे होंगे। अरे मान जाओ मित्रों, समझो जरा, सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है, चश्मे में मक्खी बैठी है, आप नीचे बर्तन में मक्खी समझ रहे हो। आप चश्मा साफ करो तब समझ में आएगा, इस भ्रम में मत रह जाना। मैं पिछली बार की बातें बता चुका कि पिछली बार 3 कारण थे,
लेकिन आज फिर मंच मिलेगी अपन को, आज राष्ट्रीय नेतृत्व तो अपने मंच पर है और इसलिए मैं सारी बातें वो नहीं कर रहा। मैं यात्रा में चूंकि इस यात्रा का प्रभारी हूं, इंचार्ज हूं और लगातार यात्रा चल रही है। विंध्य में भी गया था और चंबल अंचल को निपटा के कल आज शाम को ग्वालियर अंचल में प्रवेश करेंगे। मित्रों आपने माई ने कृपा करके मुझे पिछले 33 साल से विधायक बना लिया, जैसा माननीय प्रभात जी कह रहे 18 साल से मंत्री बनाया हुआ। मैंने भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रचंड समर्थन कभी नहीं देखा जैसा दिखाई दे रहा है। मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं और ये नौसुखी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। अरे तुम बनी बनाई नहीं चला पाए सरकार, तुम बनाओगे कैसे? मैं ये नहीं समझ पाया आज तक। तुमने झूठ बोला प्रदेश की जनता से कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल लेंगे। बोलो बोला था कि नहीं? बोला था। एक के भी खाते में कहीं जिले में संभाग में सुना तुमने कि 2 लाख आए, 1.5 लाख आए, 1 लाख आए, 50,000 आए? अरे इनने झूठ बोला कि 4,000 रुपया महीना देंगे, 15 महीने में 60,000 आए। नहीं है, लेकिन हमने तो कहा नहीं था। लाडली बहने बैठी है, कल कौन सी तारीख हटी बहनों? कितने कितने आ गए? 250 सावन पे आ गए, 1,000 जी आ गए, आ गए 1,250 अगले महीने आएंगे और बाकी अगले पे फिर 1,500 आ जाएंगे और बढ़ के कितने हो जाएंगे थे? जोर से बोलो 3,000। 3,000 मतलब 36,000 रुपया साल, मतलब 100 रुपया रोज। ये कौन सी पार्टी दे रही है? तो मैं जोर से बोलो कह रहा हूं, और का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, ध्यान रखना कभी मत भूलना इसको। ये 100 रुपया रोज जैसे ही यहां लगे 3,000 रुपया महीना, तो भैया है भी पैसे की जरूरत होगी, संज्ञा को तो तुमसे ही मांगे हो, मांगे हो कि नहीं मांगे हो? हम अरे पहले तो तुम राखी बनवावे, सावन पे जाओ तो 200-300 रुपया बड़े एहसान से देता थे भैया, देते कि नहीं देते? हम तो तुमसे ही 200-300 और मांगे हो, 36,000 साल के मिलेंगे। और भैया किसान भाइयों, जो नहीं कहा था वो ये भी नहीं कहा था, कौन कौन के खाते हैं? खेती है उनके नाम पे, हाथ उठाना, 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा है नीचे कर लो, सबके खाते में आ रहे हैं 2-2 हजार 3 बार में प्रधानमंत्री के, 2-2 हजार 2-4 हजार मुख्यमंत्री के, 10 हजार साल के, अब 12 हजार हुए आ रहे हैं, हाथ उठा कौन कौन के आ रहे हैं नीचे कर लो, 12 हजार साल के। अब वो पुरुष हाथ उठाएंगे जिनके 2-3-4 खाते हैं, उठाना कौन कौन? 4-5 क्या नाम है तेरा? रविंद्र रावत। 4 खाते हैं, गुड। और बहुए कितने के घर में लाडली में ना? 4। अब देखो साहब लखपति है ना रावत जी, 4 खाते, 4 बहुए हैं, माने 36,000 रुपया, 36 चौके बताओ को गणित मारे, 1,44,000। ये नगरपाल का वाला है, माइक से आवाज निकल गई होगी, आजकल बड़े बड़े काम हो रहा है ना, तो 1,44,000 तो लाडली में निकालनी है ना, और 12,000 के हिसाब से 12,48 दोनों जोड़ के 2 लाख साल के। अब बताओ कोई तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, ये घर बैठे आ रहे हैं। कितने थे चौधरी तुम्हारे? 5। देखो आप, एक पे एक टंगे हैं। कितने थे? 4। का नाम है? धर्मेंद्र सिंह यादव। 4 और लाडली बहना 4। गजब है आपने किया। नौ वाले भी है, अब 9 मान सिंह 38,000 रुपया साल के हिसाब से 9 को गुणा करियो कि देख भाई कंप्यूटर मोबाइल से 3,60,000 और खाते भी 9 खाते 12 नंबर देख ज्यादा तो अभिनंदन करेंगे अगले कार्यक्रम में पक्का है। 10 लाख से ऊपर आ रहे थे, 1 लाख रुपया महीना आएगा, महीना को 1 लाख। आप देखो
तो सर कैसे कैसे पड़े हैं दतिया में भूत रजक छह खाते हैं, देखो एक पे एक चढ़ के निकल रहे, छह खाते हैं रजक के, वो छह बहु है, मारे ही लेते हैं ये तो मारे ही ले रहे हैं, अकेला दतिया पी जा रहा हूं पूरा मध्य प्रदेश का माल। पहले ये मैंने इसलिए भी बताया आपको, और वो वाली बात इसलिए भी बताई, और एक बात और बता दू, जब 15 महीने इसी में कांग्रेस की सरकार आई थी ना, तो हमारी आदिवासी बहनों को, सहरिया बहने, तो रमेश आया है यहाँ पे, रमेश जलाल कोई हैगा, इनके जो सहरिया बहने थी, हमारा पार्षद है बड़ोनी से आदिवासी है, सहरिया है, इनके 1,000 रुपया हम देते थे वो बंद कर दिए थे कांग्रेस की सरकार, हमारी संबल की योजना बंद कर दी थी कांग्रेस की सरकार ने, हमारी तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी कांग्रेस की सरकार ने। अब आप सोचोगे बाकी सरकार की बंद करने की हमें क्यों बता रहे हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर भैया भी कहे तो कांग्रेस से वोट मत दियो, नहीं तो कांग्रेस आते ही सबसे पहले लाडली लक्ष्मी बंद करेगी, लाडली बहना बंद करेगी और कन्यादान योजना बंद करेगी, क्योंकि तो इन योजनाओं का लाभ सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, कमल के फूल को मिलता है। तो कौ की मानोगी तो नहीं जावेद, जावेद मानना नहीं है किसी की, अपन देखो रथ यात्रा लेट हो गई है, राष्ट्रीय मुद्दों पर मैं आगे